हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्रैडी स्टूडियोज के नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिल्म उरी के बारे में। वैसे तो आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे फिल्म उरी के बारे में, लेकिन आज थोड़ा बहुत और कुछ जान लेते हैं। उरी फिल्म एक एक्शन फिल्म है जिसे लिखा और डायरेक्ट किया है आदित्य धर ने। आदित्य धर इस फिल्म से डेब्यूडेंट कर रहे हैं एज ए डायरेक्टर। हालांकि इससे पहले वो राइटर थे और उससे भी पहले वो साउंड डिजाइनर थे। मतलब ये काम करते करते उनमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अब वो डायरेक्टर बन चुके हैं। जी हाँ, और जिस फिल्म की उन्होंने स्क्रिप्टिंग की थी या राइटिंग की थी वो फिल्म में चली नहीं उतनी, बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास कलेक्शन नहीं कर पाई। हालांकि वो फ्लॉप की ही कैटेगरी में आती है। जैसे एक फिल्म है तेज, जिसमें अनिल कपूर, अजय देवगन, कंगना रनौत और बोमन ईरानी थे। वो फिल्म देखकर हॉलीवुड की फिल्म स्पीड की याद आती है, जहां प्लेन में बम और बस में बम, यहाँ तक कि ट्रेन में बम लगा दिया जाता है और जैसी स्पीड स्लो हुई वो बम अपने आप फट जाएगा। ऐसे ही अजय देवगन ने एक लंदन की ट्रेन में बम लगा दिया था और वो ट्रेन जैसे ही 60 से नीचे आएगी तो बम अपने आप फट जाएगा और उसमें बैठे यात्री मर जाएंगे। उन सभी यात्री की जगह अजय देवगन ने डिमांड किया था 10 मिलियन यूरो। उसके बाद अनिल कपूर, बोमन ईरानी और अजय देवगन का चूहा बिल्ली वाला खेल शुरू होता है। उससे पहले भी एक फिल्म की थी उन्होंने, आक्रोश। दोस्तों, आधुनिक होने का हम कितना भी दावा कर लें, लेकिन वो हमारे सिर्फ कपड़ों में या शॉपिंग मॉल्स के रूप में नजर आता है। हमारी सोच अभी भी मैक्सिमम रूढ़िवादी ही है। हम जात, ऊंच नीच, भेदभाव ये सब देखते हैं। इनकी जड़ें अभी भी फैली हुई है चारों तरफ। जैसे कोई हमें व्यक्ति अपना नाम बताता है, हम उसका सरनेम पूछते हैं और उसके हिसाब से हम आंकलन करते हैं। आंकलन मीन्स उसके बारे में हम अपनी थॉट्स बनाते हैं, उसके बारे में अपनी विचारधारा बनाते हैं। आक्रोश फिल्म में एक डायलॉग था कि हमें अपने आप को आजाद तब तक नहीं मानना चाहिए जब तक कि हमारे सोसाइटी में ऐसी रूढ़िवादी सोच मौजूद है। आते अपने टॉपिक पे बात करते हैं फिल्म उरी के बारे में कि उरी नाम क्यों रखा गया। उरी इस नाम से एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था जिसे आर्मी ने अंजाम दिया था। इस नाम से कश्मीर में एक शहर है। 18 दिसंबर 2016 में यहां 4 बड़े बड़े अटैक्स हुए थे और उस अटैक का जब बदला लिया हमारे इंडियन आर्मी ने तो उसका नाम दिया उरी सर्जिकल स्ट्राइक। फिल्म में लीड रोल में है विकी कौशल, यामी गौतम, परेश रावल। विकी कौशल अभी हाल ही में फिल्म संजू में नजर आए थे कमली मनकर, यानी कि कमलेश। वो संजय दत्त के बहुत अच्छे दोस्त थे और उनकी खासियत क्या थी कि उन्होंने पहली नंगी लड़की देखी थी, वो थी 60 साल की। यामी गौतम भी अभी हाल ही में फिल्म काबिल में नजर आई थी, उनकी एक्टिंग को काफी सराहा गया था उस फिल्म के लिए। परेश रावल आए दिन हर किसी फिल्म में नजर आते ही रहते हैं। इस फिल्म के लिए जो कैरेक्टर तैयार किया है विकी कौशल ने वो रियल कमांडर चीफ से इंस्पायर है। इस फिल्म को करने से पहले इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग ली उन्होंने 5 महीने तक। उस 5 महीने की ट्रेनिंग में गन चलाना, घुड़सवारी करना, स्टेमिना बढ़ाना, यहाँ तक कि उन्होंने 20 किलो बॉडी वेट गेन किया। यामी गौतम ने भी इस फिल्म को करने से पहले मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली है। इस फिल्म का टीजर 28 सितंबर को रिलीज हुआ था। टीजर रिलीज करते वक्त इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि रोनी स्क्रूवाला ने कहा था कि इससे अच्छा दिन हमें नहीं मिल सकता था। इससे अच्छा दिन क्या हो सकता है कि इसी दिन हमारे इंडियन आर्मी ने अपने शहीद हुए लोगों का बदला लिया था। ये बहुत अच्छा दिन है हमारे लिए। आपको बता दूं कि 28 सितंबर को हमारी इंडियन आर्मी पराक्रम दिवस के रूप में मनाती है। दोस्तों, इस फिल्म का ट्रेलर और सॉन्ग्स रिलीज हो चुका है। देखने के बाद दिलों में जोश सी आ जाती है। इसमें एक डायलॉग है परेश रावल का, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक हमने किसी मुल्क पर पहला वॉर नहीं किया। 1947, 1956, 1971 और 1999, ये जितने भी साल के आपने नाम सुने इन सभी में इंडिया और पाकिस्तान की अच्छी खासी जुगलबंदी हुई है। जुगलबंदी मीन्स अच्छी खासी वॉर हुई है। 1947 कश्मीर के लिए हुई थी और उसे द फर्स्ट कश्मीर के भी नाम से जाना जाता है। 1956
पाकिस्तान के 30,000 सोल्जर्स हमारे कश्मीर में घुस आए थे। उसके बाद हमारी इंडियन आर्मी ने उसका जवाब दिया और उसे हम आज कहते हैं ऑपरेशन ग्रैंड सेल 1971, लिबरेशन वॉर इन ईस्ट पाकिस्तान 1999, कारगिल वॉर। कारगिल वॉर क्यों कहा जाता है आप जानते हैं? कश्मीर में एक शहर का नाम है कारगिल और वहां ये युद्ध हुआ था, इसलिए इसका नाम दे दिया गया कारगिल वॉर। और आपको बता दूं कि जब ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ था उसका नाम दिया गया विजय दिवस, और आज हमारी इंडियन आर्मी विजय दिवस के नाम पर उसे सेलिब्रेट करती है। इंडिया पाकिस्तान एक ही देश में रहते थे, एक ही जगह, लेकिन दूरी बढ़ी तो नफरत इतना कि एक दूसरे को खत्म करने को तैयार। कहते हैं ना कि उन्हें कश्मीर चाहिए और हमें उनका सर। दोस्तों, ये जितनी बार भी इनकी जुगलबंदी होती है इसमें बहुत बड़ा नुकसान होता है दोनों देशों का। हमारे जवान मरते हैं और उनके भी जवान मरते हैं और उससे उनकी फैमिली पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। मेरा तो मानना है कि कुछ ऐसा हो जिससे एक बार में ही सब खत्म हो जाए। अब वो क्या हो ये हमारे पॉलिटिशियन पे डिपेंड करता है। दोस्तों, इस फिल्म को रिप्रेजेंट कर रही है RSVP प्रोडक्शन, RSVP रॉनी स्क्रूवाला प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय जी स्टूडियोज। इस फिल्म का बजट है 30 करोड़ और ये फिल्म 11 जनवरी 2019 में रिलीज हो रही है। आपको बता दूं कि ये साल 2019 की पहली फिल्म है। अब बॉक्स ऑफिस पे इसका कितना कलेक्शन रहता है, कितने झंडे गाड़ती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे मेरा मानना है कि ये फिल्म बहुत अच्छी जाने वाली है। इस पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताएं और देखते रहें बॉलीग्रैड स्टूडियोज। आने वाले इंटरेस्टिंग फिल्मों के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। थैंक यू।